डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। यस, एसआर फ्लिप फ्लॉप। लास्ट वीडियो में हमने एसआर लैच के बारे में बात किया था कि नैंड गेट से हम लैच को कैसे डिजाइन करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैच इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो हम उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप की कहानी क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी जो है वो बहुत ईजिली समझ आए। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप काम नहीं करोगे, कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो देखो, आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है वो जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि ये हमने क्या किया था, एसआर लैच हमने यहां पे डिस्कस किया था। उसी एसआर लैच को जो हमने नैंड गेट से बनाया था, उसके डिजाइन में थोड़ा सा हमने फर्दर एक्सटेंड कर दिया, दो नैंड गेट और लगा दिए। ये आपकी एस वाली इनपुट हो गई, अब ये आपकी आर वाली इनपुट हो गई, और बीच में यहां पे क्या लग गया, क्लॉक लग गया। क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप है वो कब एक्शन में आता है, कब ट्रिगर होता है, जब उसको क्लॉक पल्स अप्लाई होती है। तो याद रखना, सबसे पहले तो एसआर लैच जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि 001 पे वो क्या देता है, इनवैलिड होता है। 01 पे वो क्या देता है, 1 देता है। 10 पे क्या देता है, वो 0 देता है। 11 पे क्या देता है, होल्ड देता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको जो है ना पहले एसआर लैच के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मतलब मैं आपको सही में बताऊंगा कि अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बिल्ड करना है, तो जो स्टूडेंट इसको पहले देख रहे हो उसने अगर एसआर लैच वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले वो देख के आओ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बॉक्स में ऊपर आपको उसका लिंक मिल रहा होगा। लेकिन उसको पहले देखोगे ना, उसमें पूरी डिजाइनिंग आपको बताई है, वर्किंग सारी बताई है, ताकि आपको इजीली कहानी जो है वो समझ में आ जाए। अब अगर हम बात करें यहां पे, तो हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल किसका, एसआर फ्लिप फ्लॉप का। तो यहां पे एक चीज हमारे पास क्या आ गई, एक्स्ट्रा क्लॉक आ गई। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, एस है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, आर है, और फाइनली मेरे पास आउटपुट क्या है, क्यू एन प्लस वन, दैट इज व्हाट नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, अब हम सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने क्लॉक पल्स यहां पे हमने अगर क्लॉक पल्स लगाई ही नहीं, मतलब आप जीरो कह लो या आप लेट से ये कह लो कि नॉट ट्रिगर्ड, क्लॉक पल्स हमने लगाई ही नहीं, नॉट है। ठीक है, तो उस केस में अगर मेरी क्लॉक पल्स नॉट ट्रिगर्ड है, वर्क नहीं कर रही, तो उस केस में एस की वैल्यू जो भी हो, आर की वैल्यू जो भी हो, हमें पता ही नहीं एस और वैल्यू, हमने यहां पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हमारी आउटपुट उस केस में क्या आएगी, जो ऑलरेडी है, जो प्रेजेंट स्टेट में, या जो आप कह सकते हो कि ऑलरेडी प्रीवियस स्टेट में जो आउटपुट होगी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप आपका बिट जो है वो स्टोर करके रखता है, सिंगल बिट स्टोरेज डिवाइस है, तो वो जो बिट को स्टोर करके बैठा, चाहे जीरो को या वन को, उसी को ही होल्ड करके रखेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि काम ही नहीं किया। अब अगर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि हमने इसको जो है वो ट्रिगर कर दिया, अगर हमने इसको ट्रिगर कर दिया, क्लॉक को ट्रिगर कर दिया, जैसे ही क्लॉक को ट्रिगर किया, एसआर फ्लिप फ्लॉप जो है ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारे पास इनपुट देखो कितनी है, इनपुट हमारे पास एस है और एक आर है, तो उसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे भाई, 00 01 10 11। ठीक है, और ऑब्वियसली अब हम हरेक केस में जो हमारी क्लॉक पल्स है उसको ट्रिगर ही रखेंगे। अब ये मत कहना सर ट्रिगर क्यों रखेंगे हमेशा, अरे भैया हमने फ्लिप फ्लॉप को काम करवाना है, अगर ट्रिगर नहीं रखा तब तो ये आपका एज इट इज रहेगा, इसके अलावा कुछ और आएगा ही नहीं। तो हमने क्लॉक पल्स को ट्रिगर ही रखा, वन रखा, और हमने बाकी की एस और आर की वैल्यू इस तरीके से इसको फिट कर दी। अब हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखो यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें 00 के केस में, तो लेट से मैंने एस की वैल्यू क्या दी, 0, आर की वैल्यू क्या दी, 0, ठीक है, 00, एस और आर की वैल्यू क्या दी, 00। अब क्लॉक को मैंने क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया। क्लॉक को ट्रिगर करने का मतलब क्या है, एक तरह से आपने क्लॉक को 1 अप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लॉक जो है वो आपने 1 अप्लाई कर दिया। जैसे ही यहां पे क्लॉक की वैल्यू ट्रिगर कर दी, आपको पता है एस और आर जो है, जैसे ही हमारे पास नैंड गेट की अगर हम बात करें, नैंड गेट की प्रॉपर्टी वही, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कि अगर एक भी इनपुट में आपका 0 आ गया तो दूसरी इनपुट को वो देखेगा ही नहीं, क्लियर कट आउटपुट क्या दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है, मतलब नैंड गेट में क्या है कि अगर एक भी इनपुट आपकी 0 आ जाती है, वो दूसरे इनपुट से उसको लेना देना ही नहीं है, वो तुरंत कह देगा आउटपुट क्या है, 1। तो देखो एक इनपुट हमने 00 दी है, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू, तो इसने तुरंत आउटपुट क्या दे दी, 1, इसने तुरंत आउटपुट क्या दे दी, 1। ठीक है, मतलब हमारा जो लैच था उस लैच में क्या गया, अब 1-1 गया। मतलब यहां पे एक तरह से लैच में देखो क्या गया, 1-1 गया। अब 1-1 पे हम ऑलरेडी
कर चुके हैं। वन वन पे मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि लैच कैसे काम करता है। तो क्या आ गया, होल्ड स्टेट आ गया। तो यानी आप डायरेक्ट यहां पे क्या कह सकते हो कि जीरो जीरो पे क्या आएगा, होल्ड। कंफ्यूज मत हो ना कि जीरो जीरो पे होल्ड, अभी तो आप कह रहे हो वन वन पे था। अरे भैया एस आर इनपुट अब यहां से चल रही है, ये एस आर की वैल्यू मैंने जीरो जीरो दी, ये इंटरनली उसकी वैल्यू वन वन आई थी और उस वन वन को हमने लैच में दिया था। और ये जो लैच का हमने यहां पे टेबल लिखा है वो अब डिसाइड करेगा कि ट्रुथ टेबल जो है वो फ्लिप फ्लॉप का क्या होगा। तो यहां पे वन वन पे क्या थी, होल्ड थी, तो यानी ये होल्ड देगा। लेकिन ये होल्ड आई कब, जब मैंने एस और आर की वैल्यू क्या दी थी, जीरो जीरो दी थी। ठीक है, तो ये चीज जो है वो याद रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमने क्या किया, नेक्स्ट में हमने वैल्यू जो है वो यहां पे क्या दी, नेक्स्ट में हम वैल्यू दे देते हैं जी 01, मतलब S की वैल्यू हमने क्या दी 0 और R की वैल्यू क्या दी यहाँ पे 1 दी। ठीक है, 01 ये वाला केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 1। अब फिर वही बात कि जैसे ही इसने देखो NAND गेट ने, इस वाले NAND गेट ने देखा कि मेरी एक इनपुट 0 है, इसने तुरंत क्या कर दिया, 1 कर दिया। इसने तुरंत क्या दे दी, 1 दे दी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तरह से यहाँ पे क्लॉक जो है वो हाई आ रही है, 1 आ रही है। अब यहाँ पे जो ये वाला मेरा NAND गेट होगा, ये वाला NAND गेट क्या करेगा, 1 into 1 1, और उसका उल्टा क्या हो गया, एक तरह से 0 हो गया। ठीक है ना, NAND गेट आपको पता ही है, NAND गेट एंड और उसके बाद NOT गेट। तो यहां पे क्या हो गया, आउटपुट 0। अब देखो जी, यहां पे मेरा जो लैच था, इस लैच में क्या जा रही है, इस लैच में देखो क्या जा रही है, इस लैच में 1 0 जा रही है, इस लैच में 1 और 0 जा रही है। तो लैच में जब 1 और 0 जाती है तो मेरी आउटपुट क्या आती है, 0 आती है। तो यहां पे आप आउटपुट को क्या कर दो, 0 कर दो। हमने तो 0 1 दी थी और लैच में क्या गई, 1 0 गई। तो 1 0 के केस में लैच क्या देता है, 0 देता है। तो यहां पे मेरी ये वाली आउटपुट क्या देता है, 0 देता है। तो यहां पे मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीसेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रीसेट। ठीक है, देन वही चीज, बस सिंपल। एक बार आपको कहानी समझ में आ गई कि वर्किंग कैसे हो रही है, उसके बाद तो आप तुरंत इसको कर ही लोगे। देन देखो जी, हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आई 1 0। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या दिया, 1 0। यहां पे S की वैल्यू क्या दी, 1, R की वैल्यू क्या दी, 0। S की वैल्यू क्या दी, 1, R की वैल्यू 0। अब देखो भाई के, S की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0। अब आपको पता है कि 1 ऑफ द इनपुट इज 0, तो आउटपुट क्या होगी, यहां पे 1। बिना देखे आप 0 को यहां पे क्या कर दिया, 1 कर दिया। और यहां पे 1 1, वही सेम केस हो गया, इनपुट क्या चलेगी, 0। मतलब लैच में क्या गया, SR लैच यूजिंग NAND में क्या गया, 0 और 1। क्या गया, 0 और 1। तो 0 और 1 में आउटपुट क्या देता है, ये 1 देता है। मतलब यहां पे आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। तो यानी आप यहां पे तुरंत क्या लिख दो, 1 लिख दो। मतलब क्या करेगा ये, 1 0 के केस में सेट आउटपुट देगा, मतलब सेट हो जाएगी यहां पे वैल्यू। ठीक है, देन अगर हम बात, मतलब सेट की वैल्यू, एस की वैल्यू 1 थी ना, तो इसने आउटपुट भी क्या दे दी, 1 दे दी, मतलब सेट कर दिया। यहां पे आर की वैल्यू 1 थी, इसने रीसेट को यहां पे सेट कर दिया। देन अगर हम बात करें लास्ट केस की, लास्ट केस में हमारे पास क्या है, लास्ट केस में हमारे पास आ गया यहाँ पे कि मेरी वैल्यू जो है वो 1 1 जा रही है। मेरी वैल्यू यहाँ पे क्या जा रही है, एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू क्या जा रही है, 1। अब देखो एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आउटपुट में इस NAND गेट की आउटपुट क्या आ गई, 0। हमने यहाँ पे इस NAND गेट की आउटपुट क्या आ गई, 0। तो यहाँ पे 0 0, मतलब इस NAND गेट ने 0 दिया, इस NAND गेट ने 0 दिया। मतलब लैच में मेरा क्या गया, 0 0। लैच में जो ये मेरा लैच है, इसमें क्या गया, 0 0 गया। तो जैसे 0 0 जाता है लैच में यूजिंग NAND गेट, तो आउटपुट क्या आती है, इनवैलिड आती है। तो यानी अब इस केस में आपकी आउटपुट जो है वो इनवैलिड हो गई। तो लो जी, आपका SR फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रुथ टेबल है पूरा का पूरा डिजाइन हो गया। दिस इज हाउ वी हैव टू डिजाइन द SR फ्लिप फ्लॉप ट्रुथ टेबल। ठीक है, और इसीलिए मैं आपको दोबारा से फिर बोल दूं कि लैच की कहानी जो है वो जरूर आपको पता होनी चाहिए कि इसकी वर्किंग क्या है, तभी आपको ये कहानी जो है वो पूरा अच्छे से समझ आएगी। तो ये कॉन्टिन्यूटी में है वीडियो। ठीक है, थैंक यू।